स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सेवा में हमेशा सदैव तत्पर कृष्णा नर्सिंग होम बोकारो। आप सभी बोकारो वासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वोत्तम शिक्षा के लिए सदैव तत्पर आपके अपने शहर में सरदार पटेल पब्लिक स्कूल गायत्री मंदिर के निकट सेक्टर 9 बोकारो झारखंड। एक बार फिर से तमाम देशवासियों बोकारो वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। पोठिया गंगेली पंचायत अमर बायसी पूर्णिया जिला वासियों सहित देश वासियों को ढेर सारी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं बधाइयां। मैं राजेश विश्वास मुखिया पोठिया गंगेली पंचायत विधानसभा अमर अनुमंडल बायसी जिला पूर्णिया। मरीजों को अल्ट्रासाउंड की सेवा न मिलने से बेहद है परेशान। आपको बता दें कि बनमनखी अनुमंडल जी हां बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल की कहानी बेहद अजब और गजब है। महज कुछ सालों में ही नई बिल्डिंग नई सेवा नई सुविधाओं के साथ आरंभ होने वाली इस बनमनखी अस्पताल में नित नई परेशानियां भी खड़ी हो जाती है। कभी एम्बुलेंस ठप हो जाता है तो कभी लेबर रूम में पैसे की उगाही की कहानी सामने आ जाती है। कभी चिकित्सा सेवा को लेकर सवाल उठ जाता है तो कभी अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ बंद मिलती है। और सरकारी दवाइयों की बात करें तो न जाने क्या क्या कहानी सामने आएगी और पत्रकारों को हरकाने हकलान करने की कार्रवाई भी। यह हम आरोप लगा रहे हैं और आरोप ऐसा है कि जरा इस पर विचार कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों करवाने के लिए अल्ट्रासाउंड के अंदर जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए थे इस टेबल पर, तो वो कर्मचारी सबको पूछे कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पर होगा क्या, लगा मैं नंबर, बोले ना यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं है, बस इतने ही बोले। जब मैं तेजी से निकल गया रूम से तो बुलाई सुनिए सुनिए वो सोचा कोई होगा, तो फिर मुझे बुलाया और बोला देखिए अभी नहीं है डॉक्टर साहब, फोन करते हैं। फिर मेरे सामने चार पांच बार फोन लगाया, डॉक्टर साहब नहीं उठाए, तो ये बोले कि हम क्या कर सकते हैं, नहीं उठा रहे, वो चले गए, अब नहीं आएंगे। हम बोले कितने से कितने बजे तक का ड्यूटी है, बोले 9 बजे से 12 बजे तक का ड्यूटी है। तो हम बोले 11 बजे तो डॉक्टर साहब से हम दिखा करके आए, 11 बजे डॉक्टर साहब बैठते हैं सफाई वफाई करते होते 11 बजे तक, अब 12 बजे डॉक्टर साहब उठ जाएंगे तो हम क्या बजे अल्ट्रासाउंड कराएंगे। इन्हीं चंद बातों पर बातचीत हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं अख्तियारपुर से आया हूँ, बुढ़िया गोला अख्तियारपुर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नैयर आलम हुआ। तो यहाँ अनुमंडल अस्पताल पहुँचे हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए। हाँ, अल्ट्रासाउंड कितने बजे आप आए? हम अभी लगभग 11 बजे आए थे। अल्ट्रासाउंड कक्ष में जब आप पहुँचे तो क्या कहा गया आपको? मुझे कहा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं है, तो हम बोले अल्ट्रासाउंड तो होता है, बोले हाँ अल्ट्रासाउंड होता है, तो हम बोले फिर डॉक्टर साहब कितने बजे आएंगे, तो बोले डॉक्टर साहब का कोई पता नहीं कई बजे आएगा। मंडलीय अस्पताल में अल्ट्रासाउंड में पेशेंट आज दिखाने के लिए आए और वो रिटर्निंग जा रहे हैं, क्यों? क्या कारण है जो पेशेंट वापस जा रहे हैं? क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, एक्सरे टेक्नीशियन। जब आप एक्सरे टेक्नीशियन हैं तो आप अल्ट्रासाउंड विभाग में आप क्या कर रहे हैं? उनको यहाँ ड्यूटी मिला। कौन दिया? परवारी सर। और जो यहाँ अल्ट्रासाउंड करते हैं उसका क्या नाम है? डॉक्टर साहब। क्या नाम है? डॉक्टर विजय प्रकाश। यह बात हमको बताइए, जब आप एक्सरे के आप व्यक्ति हैं, एक्सरे करते हैं, तो फिर अल्ट्रासाउंड करने आपको आता है? नहीं। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखने आता है? हाँ या ना? डॉक्टर साहब करते हैं। आपको अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखने के लिए आता है? हाँ या ना? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? बसंत कुमार। मैडम आज अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए हैं, तो क्या कहा गया आपको? कुछ भी नहीं बोला, बस मम्मा ने डॉक्टर बताया।
क्या यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं? अभी नहीं। कब आएंगे? पता नहीं। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं। क्या नाम हुआ सर? अल्ट्रासाउंड का कक्ष में मरीज पहुँच रहे हैं लेकिन मरीज वापस जा रहे हैं, ऐसा कर सर क्यों? मरीज वापस जा रही है जी सर। अल्ट्रासाउंड कक्ष, अल्ट्रासाउंड एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की तकनीकी खराबी हो रही है लेकिन आज अभी ठीक है जी सर। अगर से ठीक ठीक है अगर या खराब है तो कोई पेशेंट को नहीं देखा गया लेकिन 14 पेशेंट को रजिस्टर में दिखाया जाता है, हमने देखा। 14 पेशेंट क्या हुआ देखा? जी हाँ। और जो व्यक्ति वहाँ पे देख रहे हैं वो जाने पर सर वो कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा पेशेंट। एक्सरे डिपार्टमेंट के वो व्यक्ति है। जब हमने पूछा कि आप एक्सरे डिपार्टमेंट के हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड आप कैसे देख रहे हैं? तो प्रभारी साहब के आदेश पे हमको यहाँ बैठाया गया। चिट्ठी मुझे प्रभारी साहब ने दिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, इस व्यक्ति को हम खोजते हैं कौन है समझे, लेकिन उसके लिए डॉक्टर रेडियोलॉजी है विजय प्रकाश नाम है उसका, करते हैं और उसको जो है उसको साथ देने के लिए एक आदमी के रखा जाता है। सर जब डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं तो फिर पेशेंट कैसे देखा जा रहा? 14 को पेशेंट को आज वो देख लिया। किसी की बात कर रहे हैं जी? किसी की बात, आज की बात, आधा घंटा पहले की बात है, आज की बात कर रहे हैं। वहाँ तो सर कोई डॉक्टर है नहीं, आज आए नहीं। वहाँ पर जो कर्मी बैठे वो बोल रहे हैं डॉक्टर नहीं, और वो खुद कह रहे हैं कि आए नहीं हैं। सो 5 बार हमने उनको फोन किया वो आए नहीं। बात हुआ है उसे, थोड़ा मुझसे बात हुआ है सर। एक बार देख लिया जाए कक्ष को, व्यक्ति को देखिए, अभी बंद भी है। उस व्यक्ति को भी देखिए कि सर वो कौन व्यक्ति है, और कक्ष भी सर बंद है। अपना नाम लेकर के वो सीधे कह रहे हैं कि मुझे परवाड़ी साहब ने यहाँ बैठाया है, और कक्ष भी सर अभी बंद है। सर क्या टाइमिंग है उसका खुलने और बंद करने का? क्या टाइमिंग बंद करने का? क्या टाइमिंग? 9 से 1। आपने क्या देखा और क्या जानकारी मिली? अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ अल्ट्रासाउंड में जो बैठते हैं प्रभारी यहाँ के वो आज मौजूद नहीं है। यहाँ एक्सरे विभाग के एक व्यक्ति को यहाँ बिठा दिया गया है और एक्सरे विभाग वाले यहाँ पर रजिस्टर में दिखा रहे हैं कि हमने आज कम से कम 10 से 12 आदमी का अल्ट्रासाउंड किया। बड़ी ताजुब की बात है कि एक्सरे डिपार्टमेंट के लोग अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में कैसे देख लेंगे। दूसरी बात कि अल्ट्रासाउंड के जो यहाँ पर प्रभारी हैं, जो टेक्नीशियन हैं, जो यहाँ पे भार पदभार में है, वो यहाँ से गायब हैं। और उनको जब उन्होंने बताया कि 5 बार मैंने फ़ोन किया और वो 5 बार फ़ोन रिसीव नहीं किए। कभी कहते हैं कि डॉक्टर साहब अस्पताल में ही हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि अस्पताल में कौन है और कौन नहीं है। जैसा कहा जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड में जो कर्मी बैठे हुए हैं उनके द्वारा रजिस्टर में मेंटेन भी किया गया मरीजों को लेकर, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर साहब नाराज दिख रहे हैं जी। वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो रजिस्टर मेंटेन है यहाँ पे पेशेंट का, और रजिस्टर मेंटेन के बाद यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड के जो टेक्नीशियन है वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर अल्ट्रासाउंड कैसे हो गया? किसका अल्ट्रासाउंड हो गया यहाँ? पूर्णिया के सिविल सर्जन से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के स्थिति बहुत नाजुक है बनमनखी अस्पताल की। यहाँ सिर्फ कागज पे काम चलता है और यहाँ बहुत दिनों से कुंडली मार के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तब तक बनमनखी का स्वास्थ्य विभाग सुधरने वाला नहीं है। बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है। स्मार्ट लेबर रूम है, यहाँ अनुमंडल का इकलौता अस्पताल है जो आसपास के मरीजों का एकमात्र सहारा है। बता दें कि दूर दराज से जब मरीज अनुमंडलीय अस्पताल अल्ट्रासाउंड कराने पहुंचते हैं तो उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड कक्ष तो खुला हुआ है लेकिन डॉक्टर साहब नदारद रहते हैं। और मजेदार बात तो यह है कि अल्ट्रासाउंड कक्ष में एक्सरे डिपार्टमेंट के कर्मी को अल्ट्रासाउंड कक्ष पर ड्यूटी पर तैनात कर दिखा दिया जाता है। मीडिया की नजरें पड़ी तो अल्ट्रासाउंड कक्ष में मौजूद कर्मी ऑन कैमरा पर चुप्पी साध लिए। सवाल उठता है कि जब डॉक्टर मौजूद नहीं है तो ऐसे में दर्जनों मरीजों की जांच रजिस्टर पर एंट्री कैसे दर्शा दी जाती है? एक्सरे डिपार्टमेंट के कर्मी के भरोसे अल्ट्रासाउंड कक्ष कैसे चल रहा है? मरीजों ने कहा अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, ऐसे में प्राइवेट संस्था से सेवा लेना पड़ता है। तो क्या प्राइवेट संस्थाओं से ये इन सरकारी अस्पताल की आपस में कुछ गठजोड़ है? सवाल है तो जवाब ढूंढिए जनाब।
बता दें कि इस मामले में कई सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे, प्रभारी से मिलकर सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवा बहाल करने की आग्रह भी किया। इस बाबत पूछे जाने पर अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रिंस कुमार सुमन ने बताया कि अल्ट्रासाउंड मशीन खराब था लेकिन आज चालू है और डॉक्टर भी मौजूद है। देखिए खबरें हैं और खबर के बाद नई कहानी और नए उत्तर भी सामने आते हैं, लेकिन क्या आम गरीब गुरबा के लिए कोई सुनवाई नहीं? सोचिए बनवन की अनुमंडलीय अस्पताल आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का एकमात्र जीवन संजीवनी है और इस जीवन संजीवनी के साथ जो सेवाएं हैं वो आम जनता तक जैसे दूर के मुंह में एक ऊंट की जीरापात की तरह दिखता है। समझिए और इसको हल करने का प्रयास भी होना चाहिए। यह एक सामाजिक खबर है और इस खबर पर तमाम पदाधिकारियों को अमल में लाकर उचित सुविधा मुहैया कर आम लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराएं और बनवन के अनुमंडलीय अस्पताल आम लोगों के लिए सहज हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए, हमारा नंबर है 8826227802।